कुछ डेवलपमेंट इश्यूज पे आती हूं आपने जिक्र किया था अर्लियर अबाउट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज वाटर मैनेजमेंट नॉट प्रायोरिटी इन महाराष्ट्र कभी सूखा पड़ता है नासिक में वगैरह हमने देखा हुआ है पानी की इतनी किल्लत होती है उसके बाद जब बारिशें आती हैं मुंबई डूब जाता है ऐसे क्यों होता है कि वाटर मैनेजमेंट जो है वो कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा महाराष्ट्र में देखिए महाराष्ट्र की जियोग्राफी ऐसी है कि मोर देन फिफ्टी ऑफ महाराष्ट्र इज ड्राउट प्रोन। पचास परसेंट महाराष्ट्र में हम लोग हमेशा ड्राउट देखते हैं और पचास परसेंट महाराष्ट्र ऐसा है कि जिसमें से कोकण है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन इसका सारा पानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर से सी में चला जाता है ये महाराष्ट्र की ओर आता ही नहीं है इसलिए पानी की किल्लत महाराष्ट्र में हमेशा रही है जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय दो चीज़ें इसके ऊपर हमने की एक तो हमने जलयुक्त शिवार की योजना की वाटर कंजर्वेशन की और उसका वैलिडेशन ये अभी जो रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार ने रिलीज 1819 की रिपोर्ट वाटर लेवल की और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में द ओनली स्टेट इन 1819 नाइनटीन जहां पर वाटर टेबल बड़े पैमाने पर बढ़ा है वो महाराष्ट्र है और उन्होंने नंबर वन पर हमको रखा है क्योंकि हमने महाराष्ट्र के बाईस हजार गांवों में साइंटिफिकली वाटर शेड को ट्रीट करके वहां पर हमने जलीय शिवार का काम किया वाटर कंजर्वेशन का काम किया उसी के कारण एक ड्राउट प्रूफिंग हमको उसके माध्यम से हम कर पाए लेकिन वो दैट इज नॉट इनफ़ इनफीडीए ने उसी प्रोग्राम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन कुछ, कुछ नहीं कर पाए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं कर पाए कुछ नहीं नथिंग कुछ नहीं मिला उनको हाँ ये जरूर किया उन्होंने ढाई साल बंद रख दिया उसको इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अभी हम वापस आए हमने वापस शुरू किया क्योंकि पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा थी उसकी दूसरा सबसे बड़ा निर्णय उस समय मैंने ये लिया कि महाराष्ट्र में ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इसका पानी अगर हम लोग लिफ्ट करके हमारे गोदावरी बेसिन में लाए गोदावरी इज अ बिगेस्ट बेसिन और ये गोदावरी बेसिन स्पेसिफिकली ड्रॉट प्रोन एरिया को सर्व करता है ये 50 परसेंट ऑफ द महाराष्ट्री बेसिन तो मैंने उस समय यह निर्णय किया कि कितना भी पैसा लगे हम ये पानी यहां लाएंगे दूसरा जो हमारे यहां पर भंडारा जिले में गोसीखुर डैम है उसके नीचे से सौ टीएमसी पानी बहकर ये समुद्र में जाता है तो वो पानी हम रिवर लिंकिंग के माध्यम से 600 किलोमीटर का एक आ, रिवर तैयार करेंगे कैनाल तैयार करेंगे और पूरे वेस्ट विदर्भ को और ईस्ट विदर्भ के जो ड्राउट प्रोन्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको हम लोग ड्राउट फ्री करेंगे और फ्लडिंग का तो मैं बता रहा हूँ पहले इसका बता देता हूँ ये हमने निर्णय किया और उस समय मैंने इसकी सारी मान्यताएं ली उसका जी भी निकाला ढाई साल फिर सरकार ने उसको बंद करके रखा था अभी वापिस हमने उसको शुरू किया है और ये देश का सबसे बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होने वाला है इसके कारण महाराष्ट्र परमानेंटली ड्राउट फ्री हम लोग कर पाएंगे और अभी एमडब्ल्यू आर आर ए जो हमारा रेगुलेटर है उसके पास यानी सारा उसका टेक्निकल ये करके हमने उनकी मान्यता के लिए दिया है उनकी मान्यता के बाद हम इसका टेंडर निकालेंगे और इसका काम चालू करेंगे टाइम है सात साल लगेंगे इसको क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सो इफ एवरीथिंग गोज राइट ये सात साल में ये सारा काम होगा फिर सेकंड चीज पर मैं आता हूं कि आपने देखा होगा कि विशेष रूप से हमारे यहाँ कोयना में फ्लड आता है और कर्नाटक ने अलमाटी बनाने के कारण बैक वाटर हमारा अटक जाता है और सातारा सांगली कोल्हापुर जैसे शहर पूरे अभी उसी समय मैंने वर्ल्ड बैंक से बात करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जो अभी वर्ल्ड बैंक ने उसको एक मान्यता दी है ये सारा पानी जो फ्लड का है क्योंकि एक तो होता है दो स्टेट्स के हिस्से का पानी उसको आप हाथ नहीं लगा सकते एक होता है फ्लड वाटर तो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द फ्लड वाटर इज देयर जो सारी स्टेट छोड़ देते हैं और समुद्र में जाता है तो ओनली एट द टाइम ऑफ फ्लड डायवर्जन कैनल्स के थ्रू हम उसको उजनी में लेकर आएंगे और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का और लगे हुए मराठवाड़ा का जो ड्राउट प्रोन एरिया है जो वो जहां पर बारिश नहीं होती है ऐसे जगह उसको ले जाएंगे तो ये तीनों प्रोजेक्ट और इसकी कीमत बहुत बड़ी है ये तीनों प्रोजेक्ट करीब एक लाख बीस हजार करोड़ के होंगे लेकिन मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है कि हम इसको कर पाएंगे क्योंकि जिस समय मैंने पचपन हजार करोड़ का समृद्धि महामार्ग घोषित किया था लोग कहते थे कि ये मूर्ख बना रहे लेकिन मैंने चार साल में करके दिखाया उसको तो ये हम करेंगे सात आठ साल लगेंगे लेकिन एक बार शुरू कर देना है शुरू कर दिया तो सात आठ साल में होगा तो महाराष्ट्र को हम ड्राउट फ्री कर पाएंगे जहां तक मुंबई का सवाल है तो मुंबई में देखिए मुंबई की जो ज्योग्रफी है इस ज्योग्रफी में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है टोरेंशियल रेंस होते हैं मुंबई में कुछ दिन ऐसे होते हैं और उसी समय हाई टाइड आता है तो पानी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुंबई का पानी बाहर कहाँ जाएगा वो जाएगा समुद्र में और जब हाई टाइड है तो हाई टाइड तो पानी पुश कर रहा है मुंबई में तो ऐसे समय मुंबई में पानी जा नहीं सकता है तो मुंबई में पानी भर जाता है इसका उपाय क्या है इसका उपाय है कि इस पानी को पंप करके हम लोग कहीं स्टोर करें पंप करके बाहर भेजें। अब दुर्दैव से पिछले 20 सालों से बीएमसी में पंपिंग स्टेशन के काम चल रहे हैं और काम नहीं हो पा रहे जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने मेजर पंपिंग स्टेशन का एन्वायरमेंटल क्लियरेंस और सारी चीजें करके उनको दी कि आप इसको बनाइए लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगले दो ढाई सालों में ये काम पूरा करें हम लोग क्योंकि ऐसा कई शहरों देशों में होता है जापान में ऐसा होता है तो जापान ने अंडरग्राउंड बड़े पैमाने पर आ, सम्स बनाए वहां वो पानी उसको बैलेंसिंग करते और फिर उसको पंप आउट करते तो उसी प्रकार से मुंबई में जब ये सारे पंप हाउसेस बन जाएंगे उस समय फिर हाई टाइड के समय भी आप पानी फेंक पाओगे और ये जो जमा होता है